दोस्तों अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एक खीरा के प्लॉट के अंदर हूँ और खीरे की पत्ता को अगर सही तरीके से देखेंगे तो इसका पत्ता जो है वो मुड़ चुका है और पीला पीला हो चुका है, तो इसको बोला जाता है कुकुम्बर मोजाइक वायरस। तो ये ज़्यादातर लत्तर वाली फसल के अंदर ही देखने के लिए मिलता है और इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर एक बार वायरस का प्रकोप लग जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सही दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है और इसलिए मेरे पास एक दवा है जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये है वायरोबेन नाम का एक दवा जो कि आनंद एग्रो केयर कंपनी का आता है। तो ये जो दवा है ये 100% ऑर्गेनिक दवा है और ये दवा एक एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके इसको तैयार किया गया है। तो ये वैसे एक बहुत ही पावरफुल दवा है जो कि वायरस के ऊपर काम करता है। तो इस वायरोबेन दवा को फसल में छिड़काव करने के बाद हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो वायरोबेन एक ऐसा दवा है जो कि एक यूनिक टाइप का दवा है जिसके कारण वायरल जनित रोग के ऊपर तो काम करता ही है, जैसे कि लिपकल वायरस हो गया, येलोबिन मोजाइक वायरस हो गया, या फिर कुकुम्बर मोजाइक वायरस हो गया, या फिर जो और भी वायरल जनित रोग होता है जैसे कि पेपाया रिंग स्पॉट जो होता है उसके ऊपर काम करता है। ऐसे बहुत सारे वायरल जनित रोग के ऊपर काम करता है और इस वायरोबेन का सबसे बड़ी खास बात यह है कि वायरल जनित रोग के ऊपर काम करने के साथ साथ ये बैक्टीरियल जनित के ऊपर रोगों के ऊपर भी काम देखने के लिए मिलता है और उसके साथ साथ ये सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो फंगस जनित रोगों के ऊपर भी काम करता है और ये जो है ये लिप माइनर के ऊपर भी काम करता है, ये भी आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दवा है ये एक बहुत ही स्पेशल दवा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है, कितने मात्रा में यूज करना है वो भी आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं भाई इसको फसल में छिड़काव करने के बाद ये फसल के अंदर किस तरीके से काम करता है, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वायरल जनित रोग के ऊपर काम करने वाला एक बहुत ही अच्छा पावरफुल दवा है जो कि आप लोग इसको किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, चाहे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, या फिर जो लत्तर वाली फसल होता है जो कि खीरा, कद्दू, लौकी, इस वाली फसल में भी आप लोग बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण सभी प्रकार की ये वायरल जनित रोग के ऊपर काम करता है, यानी कि अलग अलग टाइप का रोग के ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो दवा है ये आप लोग जैसे ही छिड़काव करते हैं तो ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, यानी कि अगर वायरस जनित रोग का प्रकोप नहीं हुआ है उससे पहले अगर एडवांस में वायरोबेन को स्प्रे करते हैं तो ये वायरस का प्रकोप होने ही नहीं देता है आपके फसल के अंदर, जिसलिए इसको प्रिवेंटिव एक्शन बोला जाता है। और क्यूरेटिव एक्शन यानी कि अगर मान के चलिए आपके फसल के अंदर वायरस जनित रोग का प्रकोप हो चुका है कुछ इस तरीके से, अगर उसके बाद अगर आप लोग उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं इस दवा को छिड़काव करके, तो क्यूरेटिव एक्शन में भी काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन इस वायरोबेन को हम लोग को कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, चलिए आप लोगों को टंकी के पास जाके दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा 15 से 16 लीटर वाला पंप और इसमें अभी हम इस वायरोबेन दवा को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका डोज कितना रखना है, अगर आप लोग 1 लीटर पानी के हिसाब से बात किया जाए तो इसको 2 से 3 ml मतलब पानी के साथ मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का इस तरीके से 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो इसको आप लोगों को कितना इस्तेमाल करना है, लगभग 30 से 45 ml तक इस्तेमाल करना है। अब कोई कोई किसान भाई का सवाल ये आएगा भाई कितना हम एक्जैक्ट मतलब इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप लोग प्रिवेंटिव में स्प्रे करना चाहेंगे तो आप लोग इसको 30 ml तक एक टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का मतलब प्रकोप हो चुका है, यानी कि अगर आप लोग क्यूरेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग इसको बेझिझक 45 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा फसल के अंदर वायरस जनित रोग का प्रकोप हो चुका है और इसलिए हम इस वायरोबेन दवा को 45 ml इस पंप के अंदर डाल रहे हैं। तो इसको पहले इस तरीके से हिला लेना है और उसके बाद इसका ढक्कन जो है वो खोल लेना है और खोलने के बाद आप लोगों को ml में माप लेना है। तो यहाँ पर मेरा 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो इसमें हम अभी इसको डाल रहे हैं हम लगभग 40 से 45 ml, क्योंकि भाई मेरे फसल के अंदर वायरस जनित रोग का प्रकोप हो चुका है तो इसलिए हम इसके अंदर 45 ml तक डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको माप लेना है और सीधा टंकी में डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से इसका घोल को बना लेना है। अब दोस्तों सवाल ये आती है कि भाई इस दवा को हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, कहां से मंगा सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर नीचे एक नंबर देखने के लिए मिल रहा है, इस नंबर पे आप लोगों को डायरेक्ट संपर्क करना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके फसल के अंदर वायरल जनित रोग का प्रकोप होता है तो आप लोग आनंद एग्रो केयर कंपनी का ये जो वायरोबेन दवा है उसको आप लोग बेझिझक आसानी से खरीद कर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना है और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा।